कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके पीछे का कारण हमारा खराब खान पान और अनियमित जीवन शैली फॉलो करना है। पिछले 5 से 7 सालों में कैंसर के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक साल 2050 तक कैंसर के मामले 77% तक बढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के माने तो साल 2022 में कैंसर की वजह से 9,16,000 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या ज्यादा थी। इस साल दुनिया भर में कैंसर के 14.13 लाख मामले सामने आए थे। यही नहीं, इस साल दुनिया भर में कैंसर के 20 मिलियन नए मामले देखे गए हैं। WHO के आंकड़ों के माने तो कैंसर के मरीजों की संख्या साल 2050 तक 77% तक बढ़ सकती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने दुनिया भर में कैंसर के मामलों को देखते हुए ये अनुमान लगाया है कि साल 2020 के मुकाबले 2050 तक ये मामले 77% ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक भारत में 75 साल की उम्र से पहले कैंसर होने का खतरा 10.6% है, वहीं कनाडा में ये खतरा 32.2% है और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 34.3% है। कैंसर से बचने के उपाय, चलिए अब ये जान लेते हैं आखिरकार कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। कैंसर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें। इसके लिए जंक और प्रोसेस फूड खाने से बचें, साथ ही पुराना खाने से भी परहेज करें। कैंसर से बचने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करनी चाहिए। इसके लिए सिगरेट पीने से परहेज करें, साथ ही शराब से भी दूरी बनाएं। कैंसर से बचाव के लिए ज़्यादा धूप के संपर्क में आने से बचें, साथ ही समय समय पर कैंसर स्क्रीनिंग भी कराते रहें। आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।